नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे ओज के ऊपर। क्या ओजस के बारे में आपको मालूम है, ये कितना महत्वपूर्ण है हमारी बॉडी के लिए? क्या आपको मालूम है कि ओजस हमारे शरीर की संपूर्ण शक्ति है? क्या आपको मालूम है यदि आपके शरीर में ओज अच्छा है, ओज की मात्रा परिपूर्ण है, तो आप कई रोगों से अपने आप को बचा सकते हैं और साथ में आप अच्छा स्वस्थ और सुंदर शरीर भी पा सकते हैं। तो आज इस वीडियो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ओजस एक्चुअली में है क्या और इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। देखिए, ओज को आयुर्वेद में सातों धातुओं का सार बोला गया है, सप्त धातुओं का सार। अब आप कहेंगे कि ये सप्त धातु क्या होती हैं? तो मैंने अपने प्रीवियस कई वीडियोस में इसके बारे में बताया है, जिसको फिर से एक बार बता देता हूं। हमारा शरीर सात धातुओं से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे पहले रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सात धातुएं होती हैं। रस जो है हमारा लिम्फेटिक फ्लूइड्स है, रक्त है हमारा ब्लड है, मांस हमारे शरीर में मसल मास जितना होता है, मसल जितने होते हैं, फ्लैश जितना होता है वो मास होता है, मेद हमारी बॉडी में फैट होता है, अस्थि सभी जानते हैं कि ये बोन्स होती है, मज्जा बोन मैरो होती है जो कि ब्रेन के अंदर भी पाई जाती है और हमारी बोन्स के अंदर भी पाई जाती है। शुक्र को सीमेन कहना तो गलत होगा, बट आप सेमिनल फ्लूइड से इसको रिलेट कर सकते हैं, स्पर्म या ओम्स रिलेट कर सकते हैं, बट शुक्र हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैला रहता है, ऐसा हमारी संहिताओं में बताया गया है। जब ये सातों धातुएं परिपूर्ण रूप से बनती हैं, अपनी शुद्ध अवस्था में बनती हैं, तब उसके बाद जो निर्मित होता है वो ओज होता है। ओज का स्थान हमारे यहाँ पर हृदय बताया गया है, हमारा हार्ट उसको बोला गया है, और ओज हमारे मस्तक में भी यहाँ पर विराजमान होता है, जिससे हमारी परंपराओं में आपने देखा होगा, जो मैंने टीका लगाया हुआ है, हमारे यहाँ पर इस टीके को लगाया जाता है ताकि ओज को एक एनर्जी प्राप्त हो सके। अब आपने समझा कि ओज एक्चुअली में होता क्या है। ओज से हमारे चेहरे पर शाइनिंग, हमारे ब्रेन की इंटेलेक्चुअल पावर, हमारे ब्रेन की पावर एक अच्छी होती है, हमारा फोकस बढ़ता है, हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी बढ़ती है, हमारे सेल्स की रेजुवेनेटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, या यूं कहें सेल्स की इंटरनल हीलिंग पावर बेटर से बेटर हो जाती है। ये इतना महत्वपूर्ण ओज है, फिर भी इसके बारे में इतनी चर्चाएं क्यों नहीं होती, पता नहीं किस लिए नहीं होती, बट हमारे आयुर्वेद में इसके बारे में बहुत कुछ बताया गया, जिसका कुछ सार मैं यहाँ देने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट करके इसके अन्य पार्ट की मुझसे कह सकते हैं, मैं अन्य पार्ट भी लेकर के आऊंगा। अब देखते हैं ये ओज बनता कैसे है। देखिए, जो व्यक्ति ज्यादा सेक्सुअल हैबिट्स में इन्वॉल्व होते हैं, ज्यादा सेक्स करने में इन्वॉल्व होते हैं, उन व्यक्तियों के अंदर ओज क्षय होने लगता है। जो व्यक्ति अपनी रात अच्छे तरीके से नहीं बिताते हैं, यानी नींद अच्छे तरीके से प्रॉपर नहीं लेते हैं, स्लीपिंग प्रॉपरली नहीं लेते हैं, उनके अंदर ओज क्षय होने लगता है। जो व्यक्ति समय पर भोजन नहीं करते हैं, क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, दूसरे से जलना, इस प्रकार की जो हैबिट्स रखते हैं, उनके अंदर ओज कम होता है। तो ये कुछ ऐसे रीजन थे जो मैंने आपको बताया कि जिसकी वजह से ओज कम होता है। अब आप ऑटोमेटिकली समझ चुके हो कि इनका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, आपके अंदर ओज बनने लगेगा। आपको पौष्टिक चीजें खानी है, सही समय पर खानी है। सही समय क्या होता है? जब आपको भूख लगे तब जरूर खाना खाना है, उसको रोकना नहीं। आपको प्रॉपरली अच्छे तरीके से नींद लेनी है, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद तो आपको प्रॉपरली लेनी ही है, वो भी बंद सिटिंग में लेनी है। रात को सोए सीधे 7 से 8 घंटे बाद आप जगेंगे, ऐसा नहीं बीच में आपकी नींद खुल रही है। अगर आप योग निद्रा का अभ्यास करते हैं तो 5 से 6 घंटे के अंदर भी आपकी नींद पूरी हो सकती है। आपको पानी अच्छे तरीके से क्वांटिटी में पीना है। सेक्सुअल आपको हैबिट्स को कंट्रोल करना है, जो लोग मैस्टरबेशन करते हैं उनको उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि ओज हमारी नाभि से मूलाधार चक्र को जागृत करते हुए हमारे मस्तिष्क में पूरे चेहरे पर एक विराजमान हो जाता है, जिससे हमारे चेहरे पर अलग यहाँ शाइनिंग दिखती है।
कई तपस्वी योगियों को आपने देखा होगा, जैसे स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण ले लेते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग ही ओज चमकता था, एक एक लाइट चमकती थी, जिसको ऑरा भी आप बोल सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप ओज को बढ़ा सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने कैरियर में ग्रो कर सकते हैं और सफलताओं को पा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी, आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा और इसके रिजल्ट जो भी आपको मिले आप कमेंट बॉक्स में आकर जरूर लिखना और साथ में इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।